उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विद्युत विभाग की चेकिंग टीम पर चेकिंग के दौरान आज लोगों ने हमला कर दिया। बिजली विभाग के अधिकारी संतोष कुमार का कहना है कि आज सुबह विद्युत विभाग की टीम चोरी पकड़ने बड़वालन क्षेत्र में गई थी, तब रईस नाम के व्यक्ति ने बिजली चोरी पकड़ने पर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मारपीट की है। आरोपी रईस के परिवार की महिला का कहना है कि सुबह परिवार के लोग फर्ज की नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे, इसी दौरान अचानक कुछ लोग उनके घर में घुस रहे थे। पीछे से उनके परिवार के लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, वो समझे कि चोर हैं। इस गलतफहमी में मारपीट हो गई। आरोपी रईस के पड़ोसी अफाक का भी कहना है कि काफी दिनों से क्षेत्र में चोरी हो रही है, इसीलिए चोर समझकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को पीट दिया गया। फिलहाल इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने थाना मुगलपुरा में रईस व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में तहरीर दे दी है। तो वहीं रईस के परिवार वालों ने भी बिजली विभाग के लोगों के खिलाफ जबरन सुबह घर में घुसने व परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आरोप में तहरीर दी है। पुलिस अब दोनों ही तहरीर की जांच कर रही है। मीरा जी, क्या हुआ है ये जो आपके ऊपर हमला हुआ, किन लोगों ने किया? हम लोग मॉर्निंग रेड पर गए हुए थे जी। यही साहब, मैं और हमारे साथी जी, बस एकदम ये निकल गया, ये चोरी कर रहा था, इसकी वीडियो बनाई हम लोगों ने जी। ये चोरी करते हुए इसने जो है आके फिर एकदम हंगामा करना शुरू कर दिया और डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक, कितने लोग थे आप? हम लोग 4-5 जने थे। उधर से कितने लोग थे जिन लोगों ने हमला किया? 12 जने हो गए थे। कौन कौन लोग थे, कुछ पता है आपको? मुझे तो एक का नाम पता है जिसमें जिसने सबसे पहले मारपीट शुरू करी, गई इस नाम है। इसी की बिजली चोरी पकड़ी गई जी? हाँ, इसी की पकड़ी। उसके बाद क्या मंजर था वहाँ का? वहाँ पे तो हम लोगों ने तो मारपीट करनी शुरू करी, तो बड़ी मुश्किल से जान बचाई हम लोगों ने भाग। और इस समय मुगलपुरा थाना आए हुए हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मेरा बहन भी वहीं है। क्या नाम है आपका? साइमा। क्या हुआ आज आपके यहाँ? आरोप है कि बिजली कर्मचारियों के आपके परिवार के लोगों ने पिटाई की। ये लोग आए, आ तो ये 4-5 दिन से रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, पैसों की नहीं कि 10,000 दो, 5,000 दो, नहीं हो पा रहा। आज ऐसा था कि घर के सब लोग नमाज में गए हुए थे क्या, वो एक ही थे घर के बड़े। कितने बजे नमाज थी आपका? वही 5:45 बजे, वही सुबह फजर में। हम भी नमाज में थे, सास बहू किवाड़ ये खुला हुआ था, वो लोग नमाज में गए हुए थे, तो वो उधर से आए, ये अंदर को आए, बदतमीजी करने लगे। मैंने किवाड़ बंद करा तो अंदर को आने की कोशिश करा, बदतमीजी कर रहे, तो मैंने अंदर से बंद करा तो ये यहाँ से गए, फिर वो उधर से आए, वो चोर समझे, हम भी चोर समझे कि ये चोर हैं, वो आए तो फिर मार पिटाई होने लगी इनकी। क्या वो अकेले थे? ये लोग चार पाँच थे ये जो भी थे, लेकिन वो एक अकेले थे और इल्ज़ाम लगा रहा है मोबाइल का। इतनी मारपीट में कोई कैसे मोबाइल उठा लेगा? कोई था नहीं घर। हाँ, हम भी चोर समझे इनको, और वो भी पीछे से जब आएंगे नमाज पढ़ के तो वो भी चोरी समझेंगे इनको, कि घर में बदतमीजी करेंगे, औरतों से बदतमीजी कर रहा है, गलत गलत हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने किवाड़ बंद, हाँ चोर लगे बिजली, इतनी सुबह ही आए, हम भी नमाज में अदा हो रहे थे, सास बहू के साथ बदतमीजी कर रहे। अब वो भी पीछे से यही समझे कि ये चोर है, वो जो हमें बचाने के लिए बदतमीजी करेंगे तो वो तो आएंगे, उन्हें क्या बताइए मतलब। और सीढ़ी भी अपनी वहाँ आगे खड़ी थी इनकी, वहाँ गए उनको बचाने पकड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक खान है। आफाक साहब, क्या हुआ आज आपके क्षेत्र में? ऐसा था कि सुबह लगभग 6:45 बजे करीब काफी मतलब उधम सा हो रहा था, तो जब झांक कर देखा तो पता चला कि ऐसे मारपिटाई हो रही है। कुछ बिजली वाले जो थे वो इनके वहाँ पर घुसे हुए थे, तो वो ये समझे कि चोरी का मामला है कुछ, तो चोरी को लेकर के नामे कुछ मारपिटाई हुई है। मतलब चोर समझा उनको बिजली कर्मचारी जी जी, चोर समझ रहा हूँ, और चोर ज्यादातर आ भी रहा है, चोरी हो भी रही है मोहल्ले में। कई बार परसों हमारे घर के सामने भी दो चोर घुस चुके थे, तो वो क्या नाम है। फिर दूसरी चीज ये है कि इस बात को ध्यान नहीं दिया जाता ज्यादा, अगर रिपोर्ट कराओ या कुछ कराओ तो ऐसा। सुबह मॉर्निंग रेड के लिए टीम जो है बिजली घर कटघर बिजली घर से जे साहब के नेतृत्व में निकली थी। सुबह करीब 6:15 बजे के आसपास ये बिजली घर से निकले, और जैसे ही वो कुंवर साहब की गली के बरवलान के एरिया में वो गए, तो एक रईस हैं, रईस के घर के पास उन्होंने एक डायरेक्ट केबल उनके घर में रोशनदान में जाते हुए देखा, तो उसकी वो वीडियो बाहर से ही बनाने लगे। और बना करके वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे, तब तक वो रईस और उसके साथीदार सब लोगों ने टीम पर हमला करने के लिए हमला कर दिया और धावा बोल दिया। और उसके बाद टीम जब वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागी, तो उसमें सबसे पीछे जो
पड़ा, वो विनय सिंह संविदा कर्मचारी था, उसको डंडा मार के गिरा दिया और फिर उसे लात घूसों से मारा पीटा है और उसका मोबाइल भी वहाँ पर गिर गया था, उसे लेकर के चले गए वो लोग। हाँ, वीडियो जेई के मोबाइल में है। अच्छा, उनका भी आरोप है? वो गलत है, ये आधारहीन बातें की जा रही है। बाहर से हम लोग मॉर्निंग रेड के समय में सड़क साइड से गुजरते समय जो भी संदिग्ध केबलें वगैरह देखते हैं उसके वीडियो वगैरह सबूत के रूप में इकट्ठा करते हैं। हम इस समय FIR दर्ज करवा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।